नमस्ते, मैं वृषकेतु। आज आप सभी को बताएंगे कि अगर कोई हम पॉजिटिव हो गए कोरोना से तो उसका निवारण क्या है और हम कोरोना से कैसे बचें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, शौचालय आदि जाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। उसके बाद हम आप उठिए कब, सूर्योदय से पूर्व, और स्नान ध्यान फ्रेश होकर के मतलब योग कीजिए। योग में अगर आपको समय नहीं है तो मात्र 3 प्राणायाम कीजिए, एक अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति और तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम ऑक्सीजन लेवल को इतना बढ़ा देती है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कैसे बढ़ाते हैं। अगर आपके किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 40 से कम है तो अनुलोम विलोम से केवल वो 99 तक पहुंच जाते हैं, और केवल 10 सेकेंड में। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने खुद बताए हैं, अपना प्रैक्टिकल करके उन्होंने दिखाए हैं कि कैसे होता है। तो आप आस्था चैनल पे उनको देख सकते हैं। मात्र हम 3 योग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम भोजन पे आते हैं कि भोजन हमें क्या क्या करना है। भोजन करना है वैसे जिससे कि इम्यूनिटी बूस्टर हो सके, शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके, उसी चीज़ का हम भोजन करेंगे। जैसे कि जो भी हम दाल चावल रोटी खाते हैं वो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन उसके साथ हम क्या करें, क्या खाएं, खाएंगे जैसे कि हम बताते हैं उससे दाल रोटी चावल खाते ही हैं। तो उसके साथ हम गांव घर में आप लोग रहते हैं तो एक गिलोय होता है, देखे होंगे उसको, घरेलू भाषा में गुरजौ का लोट कहते हैं। तो हम उसका काढ़ा बना करके चाय की तरह से पियेंगे। थोड़ा तीता लगता है, क्या करें, दवाई तो तीती ही होती है, मीठी थोड़ी होती है। और गिलोय के साथ हम तुलसी लेंगे, तुलसी के पत्ते का भी काढ़ा पियेंगे। इससे कोरोना को मात देने में सबसे प्रथम स्थान गिलोय का है। उसके बाद तुलसी है, आदि है अपने घर में, हल्दी है, गोलमिर्च है जिसको मरीच कहते हैं, इन सब का काढ़ा पीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं, पैसे उपलब्ध है तो खरबूजा खा सकते हैं, एक खरबूजा फल आता है उसको खा सकते हैं, या प्रतिदिन 250 ग्राम अंगूर खाइए, उनसे विटामिन सी मिलेगी तो आपकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर एक नींबू होता है, नींबू को आधा नींबू काट लीजिए, ऐसे जीभ पर लेके पी जाइए, या फिर नींबू उसे पी जाइए, या फिर नींबू को निचोड़ करके पानी में उससे उसको वो भी पी सकते हैं आप। उसके बाद तीसरा हम आते हैं नींबू का उपयोग कैसे करें। नाक में सुबह शाम 2 बूंद नींबू डालना है, इस लेफ्ट राइट दोनों छिद्र में, नाक में। उससे क्या होगा कि एक भी वायरस प्रवेश नहीं करेगा। अगर वायरस है आपके शरीर के अंदर तो नाक में नींबू डालने से मात्र 2 बूंद सुबह शाम सब वायरस बाहर चले जाते हैं। तो हम काढ़ा पे ध्यान देंगे, गिलोय पे, दूसरा नींबू पे, मात्र ये 2 चीज़ ही आपको कोरोना से मार दे सकती है। और तीसरा एक पतंजलि में आती है कोरोनिल वटी, दिव्य कोरोनिल वटी नाम है किट। तो ये आपको 545 रुपये में अवेलेबल है। ये पॉजिटिव को भी निगेटिव किए हैं, मेरे भी कई दोस्त हैं ऐसे नाम लेके कहते हैं, अंशुमान योगी मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मित्र, गहरी मित्रता है उनके मेरे साथ, तो वो भी पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन 6 दिन वो कोरोनिल किट का उपयोग किए, सेवन किए, तो वो 6ठे दिन निगेटिव पाए गए। इतनी इम्यूनिटी बूस्टर है वो कोरोनिल। तो कोरोनिल हर जगह नहीं मिल रही है अभी, कोरोनिल आपको पतंजलि स्टोर में ही मिलेंगे या ऑर्डर में, एक ऐप्स है उस पर आपको मिलेगी, मात्र 545 रुपये दाम। अगर किसी को नहीं अवेलेबल हो कोरोनिल तो मुझे बोलिए कमेंट में, हम उसको भेज देंगे, पैसे आप भेज दीजिएगा। तो ये 4 उपाय अभी हम बताए आपको कि कैसे हम बचें कोरोना से। फिर हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, ठीक है, नमस्ते।